फिर नियत ये तेरी बेनकाब करेंगे। मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। नरेंद्र मोदी बोले थाली बजाओ घंटी बजाओ, कोरोना भाग जाता तो हम भी नारा लगा के देखेंगे। बोले थे ना दिया जलाओ मित्रों, दिया जलाओ मित्रों, घंटी बजाओ, पूरे के पूरे निकल गए। वो कोरोना है, वो कोविड है, ऐसा वो मारे तो चले आते, कहाँ जाता हूँ, जितने मारे उनको लपेट लिया हूँ। तो बीमारी है ये, कोरोना का इलाज हो सकता, याद रखो वैक्सीन आ जाएगा, मगर हमारे वतन अजीज में जो नफरत की सियासत दलित आदिवासी और मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है, इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। इसकी दवा एक ही है, आप सियासी ताकत बनो, अपने ओर से अपने नुमाइंदों को बनाओ, अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी आवाज को बनाओ, अपने कायदीन को बनाओ, क्योंकि अब आसमान से या जमीन से निकलकर कोई आने वाला नहीं है, तुम्हारे ही दरमियान से एक मर्द मुजाहिद निकलेगा जो बिदर में तारीख बनाएगा, जो कर्नाटका की तारीख बनाएगा, चाहे वो हमारा दलित भाई हो या हमारा मुस्लिम अकलियत हो। ये आपको करना है और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ताउन करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो जाने से पहले कम से कम ऐसे लोगों को अल्लाह मेरे जरिए से यहां पर खड़ा कर दे जो आने वाले 100 साल तक इस मजलूम अवाम की सही खिदमत कर सके। ये हमारी जिंदगी का मकसद है, ये कोई इज्जत शोहरत हासिल करना मकसद नहीं है, अल्लाह बहुत दे दिया। हमारी जिंदगी का मंशा मिशन ये है